हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को जय स्वामीनारायण, जय माता जी, जय श्री कृष्णा, जय महाराज। तो आज ब्लॉग मैंने किया है, बहुत लेट स्टार्ट किया है मैंने, तो मुझे आपको कहना चाहिए गुड इवनिंग, क्योंकि गुड इवनिंग इवनिंग से भी ज़्यादा हो गया है मेरे ख्याल से कितने बजने वाले हैं, 7:30 बज रहे हैं। तो आज मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया है क्योंकि आज मुझे सुबह से ठीक नहीं लग रहा था, मुझे लूज मोशन जैसा हो गया था, पेट में दर्द था, तो ब्लॉग करने का मन ही नहीं हुआ। और अभी हम लोग जा रहे हैं गोलू का हेयर कट कराने, तो मैं आपको गोलू को दिखा दूँ, गोलू कितना क्यूट लग रहा है। स्माइल करो। अरे आज शू आ मारू छे दे आपो मने आने पेरा हूँ आने केम पेरा है ये मम्मा नु छे। दोनों बाप बेटा का हेयर कट करवाना था और केतन को शेविंग भी कराना है, तो हम लोग जा रहे हैं सैलून में। फिर आज मेरा वर्कआउट बाकी है, तो मैंने केतन को बोला है कि वो मेरे साथ आज वर्कआउट करेंगे। मुझे आज उनके साथ सूर्यासन करना है, तो आज हम लोग सूर्यासन करने वाले हैं। तो मैं सैलून में जाके आपसे मिलती हूँ। हम लोग यहाँ पे रहते थे, आ गया मेरा घर, मम्मी पापा।
जी दोस्तों, सैलून से जाके आ गए। सैलून से जाने के बाद फिर हम लोग डीमार्ट गए थे। और आप लोग को एक बात बता दूँ, कितने बज रहे देखो, 11:30 बज रहे रात के, और हम चले हैं वर्कआउट करने, क्योंकि हम है फिटनेस फ्रीक। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि डीमार्ट में मैं डायपर लेने गई थी, वहां पे एक कितनी सारी लाइन आ रही। तो दोस्तों, आप लोग को ये बताना था कि जो बदलापुर ईस्ट में रहता है, तो बदलापुर ईस्ट में डीमार्ट है, बहुत बड़ा डीमार्ट है, लेकिन वहाँ पे भाई साहब एक एक दो दो किलोमीटर की लाइन। अरे एक चीज दो चीज लेने तो जा ही नहीं सकते भाई वहाँ पे। तो वहाँ पर मैं आज गई थी डायपर लेने गोलू का, मैंने तो कान पकड़े गए भाई, दूसरी बार मैं ना जाऊँ डीमार्ट में। और ऐसा नहीं कि वीकेंड, अरे आज तो वीकेंड भी नहीं था, आज तो क्या था, आज मंडे था ना, मंडे है ना शायद, हाँ मंडे, आज मंडे है, तो मंडे को भी इतनी रश। बाप रे, वीकेंड में तो समझ में भी आता है सैटरडे संडे को इतनी गर्दी होती है, लेकिन आज भी इतनी गर्दी, बाप रे बाप, इतनी लंबी लाइन, मतलब रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया भाई। ये बदलापुर के डीमार्ट में तो नहीं जा सकते, अभी हम लोग को अंबरनाथ या फिर बदलापुर वेस्ट में जाना पड़ेगा। बदलापुर वेस्ट में डीमार्ट है या नहीं है पता नहीं मुझे, तो अभी वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो हम लोग डीमार्ट से आए, फिर गोलू को मैकडी लेके गए, फिर उसके बाद हम लोग घर पे आए। फिर अभी मैं वर्कआउट करूँगी, केतन इधर ही है, केतन आज लाइव वर्कआउट देखने वाले गए, भाग गए बाथरूम में। रात के 11:30 बजे हम वर्कआउट करेंगे, क्योंकि हम है फिटनेस फ्रीक। ये गोलू को अंदर लेटा के आए, वो कार्टून दिख रहा है। केतन अभी बाथरूम में चले गए, मेरे को ऐसा था कि उसके सामने वर्कआउट करूं, लेकिन मैं चालू करती हूँ यार, 11:30 बज रहे, और कल हम लोग को बाहर भी जाना है।
कल शायद हो ना हो एक्सरसाइज, कल जाना है बोरीवली, केतन के मामा एक्सपायर हो गए तो वहाँ पे जाना है हम लोग को दोपहर का टाइम है, तो कल वीडियो नहीं आएगा, कल मैं शूट नहीं कर पाऊँगी। फिर उसके बाद से करूँगी, कल हम लोग को दोपहर को जाना है, लेकिन पॉसिबल नहीं होगा कल, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझोगे क्यों। और अभी वर्कआउट के बाद मैं जाऊँगी फ्रेश होने, उसके बाद एक ग्लास मस्त ठंडा दूध पीऊँगी और एक एप्पल खाऊँगी, फिर एडिट करने बैठूँगी, एडिट करने के बाद सेव करूँगी, आप लोग के पास वीडियो आएगा सुबह। और मैंने आप लोग को बताया नहीं, पता नहीं, घर का भी काम चालू होने वाला है, कलर का काम, किचन का काम, बहुत सारा काम चालू होने वाला है, तो पता नहीं वीडियो बना पाऊंगी या नहीं, पॉसिबल होगा या नहीं वर्कआउट करना घर पे, क्योंकि बहुत लोग रहेंगे, कलर का काम चालू होगा तो वो लोग रहेंगे, किचन का काम होगा और दीवार भी तोड़ फोड़ का काम चालू होने वाला है, तो पता नहीं कि मैं कर पाऊंगी या नहीं व्लॉग, लेकिन मैं ट्राई करूंगी। चलो तो वीडियो को यहीं पे अंत करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, ऐसी सपोर्ट करती रहिए, कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे और सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, जय माता जी, जय महाराज जी।